प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई यूक्रेन यात्रा को लेकर रूस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की यात्रा को यूक्रेन संकट के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की दिशा में किया गया व्यवहारिक प्रयास बताया है। रूसी विदेश विभाग ने भारत को एक प्रभावशाली वर्ल्ड पावर बताया जो अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक अपनी विदेश नीति बनाता है। रूस ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर अपने भारतीय दोस्तों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। रूस का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिन पहले हुई यात्रा के बाद आया है। हम भारत का एक प्रभावशाली विश्व शक्ति के तौर पर सम्मान करते हैं जो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप एक स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखता है। विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार के तौर पर रूस भारत की दोस्ती को महत्वपूर्ण मानता है। बयान में आगे कहा गया, हम प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा को यूक्रेनी संकट के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान में एक व्यवहारिक योगदान देने के प्रयास के तौर पर देखते हैं, साथ ही दूसरे देशों के प्रयासों को भी मानते हैं जो निष्पक्ष संतुलित रुख अपना रहे हैं। रूसी विदेश विभाग ने आगे कहा, हम अपने भारतीय दोस्तों के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत जारी रखने को तैयार हैं। इस मामले में हम इस तथ्य के साथ आगे बढ़ते हैं कि वे रूसी स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं, जिसे नई दिल्ली के साथ उच्चतम और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संपर्कों के दौरान बार बार और विस्तार से बताया गया है। इसके पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। पीएम मोदी के कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ कीव की अपनी हालिया यात्रा से प्राप्त नजरिया साझा किया। पीएम मोदी ने समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। क्रेमलिन ने बातचीत की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक कूटनीतिक साधनों के माध्यम से शत्रुता को हल करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। ये बातचीत मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के एक दिन बाद हुई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।